यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित होता, क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता। आज बताता, संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते। चौकिए मत, मैं आप ही में बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको यह बताने कि सारी शक्ति आपने ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं, मेरा सम्मान मुझे पूछते, मुझसे शक्ति मांगने लगते, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी, तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आए, तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना हो। कभी आपने किसी मूषक को देखा है, उसे सदैव कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुतरता रहता है दिन भर रात भर। कभी आपके रसोई घर से कुछ उठा लेगा, कभी भंडार से कुछ उठा लेगा, कभी आपके वस्त्र फाड़ देगा, कुछ उठा के अपने बिल में ले जाएगा। किंतु आप देखिए, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी के विपरीत होती है नदी, किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है अपने इस जल को, इस प्रकृति में बांटती, इस धरा को सींचती जाती है, इस प्रकृति को एक नया जन्म देते जाती है। और यही नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे कि ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे, जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है, जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती। वही मूषक जो सबसे छीनता है अकेला पड़ जाता है, उसके शत्रु बन जाते हैं। वही नदी जो सब में केवल बांटती है, उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए छीनने में नहीं, बांटने में विश्वास रखें। भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य, किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती, किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नियत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर, अपना सौभाग्य अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है, भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता।
यही बात हमें भी तो सीखनी। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है, आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं, कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नियत से। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है, क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वह स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। ये उस नौका का प्रतिरूप है जो हमें धारा पार कराती है। अब सोचिए कैसी बात है, वो विशाल नौका जो हमें धारा पार कराती है, उसका निर्माण धारा में नहीं, धरा पर होता है। और यदि हम इसे नदी तक पहुंचाना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है किसी बैलगाड़ी की अथवा अश्वगाड़ी की, उसमें रख के इसे ले जाते हैं। अब यदि मार्ग में कोई नदी आ जाए, कोई धारा आ जाए और उसे पार करना हो, तो इस बार नौका पर उस गाड़ी को रखा जाता है और फिर पार किया जाता है। अर्थात ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती यदि दोनों का सहयोग ना होता। इसीलिए ये कहावत है, कभी नौका तो कभी गाड़ी। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण है सहयोग। सदैव साथ मिलकर चले, सदैव संयोग, सदैव सुखी रहेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, आपको क्या लगता है? व्यक्ति जन्म से अपना प्रारब्ध लेकर आता है, क्या आपको लगता है कि यह प्रकृति व्यक्ति के लिए उसकी नियति लिखकर देती है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जब भी वर्षा होती है किसी बूंद को देखिए। अब ये बूंद जहां गिरेगी उस पर निर्धारित करता है कि आगे क्या होगा। यदि ये बूंद गिरती है किसी खेत में तो ये किसी नए पौधे को जन्म देगी, यदि वो गर्म तवे पर गिरी तो स्वयं को भस्म कर देगी, यदि वो किसी सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती, सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती, यदि वही किसी पत्ते पे गिरे तो ओस बन जाती। एक ही बूंद, किंतु उसकी संगत उसका भविष्य और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती है। अब वो तो केवल एक बूंद है, उसके हाथ में है केवल गिरना, कहां वो भी वो निर्धारित नहीं कर सकते, किंतु आप मनुष्य हैं, आप चुन सकते हैं कि आपकी संगत क्या होगी, किन लोगों के साथ आप पलेंगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये चयन आपका होगा, क्योंकि ये जीवन आपका है, भविष्य आपका है। अब महान बनना है या नहीं, ये निर्णय भी आप ही का होगा। मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता, किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो उन्हें रोकें, बस बोलें,
क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दे, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुन। तो चयन आपका होगा, आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। आगे और कर दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था जो मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों के, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पक्षियों के खेलों में संताप मच जाता है, पर ऐसा हो भी क्यों ना। घोंसले टूटने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगते हैं, हर एक पक्षी अपने बचाव के लिए एक नए स्थान की, एक छाव की, एक छत की खोज में रहता है। बस एक पक्षी है जो ये सब नहीं करता। उसे ना इन सारी समस्याओं की चिंता होती है, ना ही आवश्यकता होती, और वो पक्षी है बाघ। वो इन सारी छोटी समस्याओं से बहुत ऊपर उड़ता है, मेघों से भी ऊंचा। इसलिए ये सारी छोटी समस्याएं जो आपके जीवन में आती हैं, इसे स्वयं को घिरने ना दें, अपनी सोच को ऊंची बना के रखें, आपकी ये समस्या अपने आप नीचे आ जाएगी। है ये धैर्य क्या है? कोई गुण, कोई भाव, कोई सोच? मेरे लिए ये धैर्य एक सवारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सवारी? सवारी तो अश्व की हो सकती है, हाथी की हो सकती है, ऊंट की हो सकती है, धैर्य की सवारी क्या होती? चलो आपको एक बात बता देता, इस संसार में ऐसी कोई सवारी नहीं है जिसने कभी अपने सवार को गिराया ना। चाहे वो ऊंट हो, चाहे हाथी, चाहे अश्व, कभी चलते चलते डगमगा ही जाते हैं। फिर वो सवार पहले गिरता है किसी के घुटनों में, फिर गिरता है स्वयं की दृष्टि। किंतु धैर्य की सवारी ये कभी किसी को नहीं गिराती, कभी नहीं। ना वो सवार किसी के घुटनों में गिरता है, ना ही स्वयं की दृष्टि, क्योंकि धैर्य आपको विवेक देता है, विवेक आपको योजना देता है, और योजना देती है आपको शक्ति अपने लक्ष्य को पाने। समझे? धैर्य साथ अपने आप को और धैर्यशील बनाए, इस धैर्य की सवारी कीजिए और फिर बस देखिए कैसे ये सवारी आपको आपके गंतव्य तक ले जाती है। पुस्तिका, पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते? ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है। किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं, अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें,
जीवन संभल जाएगा। प्रतीक्षा, प्रयास, दोनों जीवन के अभिन्न। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई ना कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं। जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूख गए? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों के धूप आपको कुछ नहीं कर सकती। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए राधे राधे।